चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में ये जो वीडियो है वो उसी सीरीज़ का है जिस सीरीज़ में हम लोग मूल कंसेप्ट के बारे में पढ़ रहे थे, और अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बेस्ड है एम्पेरिकल फॉर्मूला से। तो अभी तक एम्पेरिकल फॉर्मूला में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते आए हैं उसमें क्या रहता है, सारे एलिमेंट के परसेंटेज कंपोजिशन दिए रहते हैं और उस परसेंटेज कंपोजिशन से हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना होता है। तो लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। इस क्वेश्चन में ऑर्गेनिक कंपाउंड में एलिमेंट का डायरेक्ट कंपोजिशन ना देके क्या दिया हुआ है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं, और जलाने पे हमें क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिल रहा है, 13.2 ग्राम, और वाटर कितना मिल रहा है, 2.7 ग्राम। अच्छा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, हम लोग ये कुछ बच्चों के मन में ऐसी बात आ सकती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड तो 3.9 ग्राम ही है लेकिन इसको बर्न करने पे कार्बन डाइऑक्साइड 13.2 ग्राम मिल रहा है और वाटर 2.7 ग्राम मिल रहा है, और 13.2 और 2.7 को ऐड कर दें तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 15.9 ग्राम। हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है 3.9 ग्राम और उसको बर्न करने पे जो हमें कंपाउंड मिल रहा है, जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो 15.9 ग्राम है, तो कहीं ये मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का वायलेशन तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल का वायलेशन हो रहा है। तो आंसर है नहीं, यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का वायलेशन नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो बढ़ा हुआ मास है वो ऑक्सीजन के वजह से है। ये जो ऑक्सीजन जुड़ गया है कार्बन में, हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर सिर्फ क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें CO2 तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ गए हैं, तो इस ऑक्सीजन के बढ़ने की वजह से ही मास बढ़ गया है। चलिए अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। मेन क्वेश्चन क्या है कि आपके पास 3.9 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे आप जला रहे हैं, और जलाने पे आपको मिल रहा है 13.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 2.7 ग्राम वाटर। तो जो कंपाउंड है उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन के हेल्प से हम डे टू डे लाइफ में किसी भी कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि कितना कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है उसको हम लोग वे कर सकते हैं, कितना वाटर बन रहा है उसको भी हम लोग सिंपल तरीके से वे कर सकते हैं, और इसी सिंपल तरीके से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के एम्पेरिकल फॉर्मूला को डिसाइड कर सकते हैं। और पहले के केमिस्ट इसी तरीके से एम्पेरिकल फॉर्मूला डिसाइड करते थे। तो अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करना है। उससे पहले आपको ये कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि जब भी हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाते हैं, केमिस्ट्री की में इक्वेशन के फॉर्म में जलाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, O2 के साथ रिएक्ट कराते हैं, मतलब जला रहे हैं। बिना ऑक्सीजन की कोई चीज़ नहीं जल सकती है, कोई भी चीज़ जब अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है तो हम लोग कहते हैं उस चीज़ को हमने जला दिया। तो CH4 को अगर हम जला रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। यानी इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, मीथेन ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन है वो किस में बदल गया, कार्बन डाइऑक्साइड में, हाइड्रोजन किस में बदल गया, वाटर में। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के उतने ही मोल्स होंगे जितने मोल्स CH4 में कार्बन के हैं, वाटर में हाइड्रोजन के उतने ही मोल्स होंगे जितने कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन के मोल्स हैं। तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कार्बन और हाइड्रोजन के मोल्स को निकाल लें, उनका रेशियो ले लें, तो हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे करना है। देखने में लग रहा होगा आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कि काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि कार्बन और हाइड्रोजन का मोल रेशियो लेना है, ठीक है। किसका मोल रेशियो लेना है, कार्बन और हाइड्रोजन का, और ये मोल रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, ये मोल रेशियो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के मोल और वाटर में हाइड्रोजन के मोल के रेशियो के बराबर। तो अगर हम ले लें कि मोल्स ऑफ कार्बन किस में भाई, कार्बन डाइऑक्साइड में, इस टू टोटल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन किस में, वाटर में। इसका अगर हम रेशियो ले लें तो हमें कार्बन और हाइड्रोजन के मोल का रेशियो
पता चल जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के कितने मोल्स हैं, ये ज़रूरी है जानना कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन के मोल्स कितने हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे 1 × मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि आप देख सकते हो इस फॉर्मूले में ये मैंने कैसे लिखा है कि अगर हम एक मोल, एक मॉलिक्यूल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, तो उसके अंदर एक ही कार्बन एटम है। वैसे ही अगर हम एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो इसके अंदर एक मोल कार्बन होगा। वाटर में देखें, अगर हम H2O में देखें, तो अगर हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं वाटर के, तो इसमें 2 मोल है हाइड्रोजन के। तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स जितने वाटर के हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हाइड्रोजन के मोल्स पता चल जाएंगे। तो यहाँ पे जो कार्बन्स के मोल्स हैं वो क्या हो गए, 1 × मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और हाइड्रोजन के मोल्स कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन के मोल हो जाएंगे 2 × मोल्स ऑफ वाटर। Q2 में 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि आप देख सकते हो कि एक मोल वाटर में 2 मोल हाइड्रोजन है। तो 1 मोल वाटर में 2 मोल हाइड्रोजन, 2 मोल वाटर में 4 मोल हाइड्रोजन, 3 मोल वाटर में 6 मोल हाइड्रोजन, n मोल वाटर में n × 2 मोल हाइड्रोजन। यानी अगर जितने मोल्स वाटर के हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें किसका मोल्स पता चल जाएगा, हाइड्रोजन का मोल पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मोल्स क्या होता है, आगे सॉल्व करते हैं। तो मोल्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, अपने क्वेश्चंस को देखना होगा। क्वेश्चंस के अंदर क्या दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना, 13.2 ग्राम डिवाइडेड बाय 44 ग्राम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमने कहाँ से लिखा है, ये हमने इस फॉर्मूले से लिखा है कि मोल बराबर होता है गिवन मास बटे मोलर मास, दिया गया मास बटे मोलर मास। तो गिवन मास कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का, 13.2 ग्राम। अब मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का निकालेंगे तो कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16, दो ऑक्सीजन का 32, तो 32 + 12 = 44। तो 13.2 ग्राम डिवाइडेड बाय 44 ग्राम कर देंगे तो किसके मोल्स हमें मिल जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के। और इसको 1 से गुना कर देंगे तो किसके मोल्स मिल जाएंगे हमें, कार्बन के, H2 अगर हम लें। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, वाटर, वाटर के मोल्स कैसे निकालेंगे, 2.7 ग्राम दिया हुआ है किसका, वाटर का मास। और वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल, है ना, यहाँ ग्राम ग्राम कैंसिल आउट, ये भी 18 ग्राम पर मोल, ग्राम ग्राम कैंसिल आउट। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के मोल्स हमें लिखने हैं। और हाइड्रोजन के मोल बराबर कितने होंगे, जितने वाटर के मोल होंगे उससे जस्ट डबल। क्यों डबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है, इस वजह से डबल हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे कि ये आएगा 0.3 × 0.3, ये बराबर होगा 1:1। 1:1 होने की वजह से कार्बन के मोल्स 1 है और हाइड्रोजन के मोल्स भी क्या है, 1। तो जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है दो एलिमेंट्स का, मोलर रेशियो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ गया, CH। तो CH इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। ये बहुत ही कॉमन है, जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका सिर्फ एक ही कंसेप्ट आपको याद रखना है, जिसके जितने ज़्यादा मोल्स होंगे उसके उतने ज़्यादा नंबर होंगे। कंसेप्ट क्या है, नंबर चाहे एटम हो या मॉलिक्यूल हो, कुछ भी हो, किसी भी चीज़ के नंबर को अगर कंपेयर कर रहे हैं तो नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स होता है, जितने ज़्यादा मोल्स उतने ज़्यादा नंबर। तो हमें यहाँ पे डिफरेंट दिया हुआ है, अलग अलग मास दिया हुआ है। जनरली कंफ्यूजन क्या होता है, बच्चे ऐसे सोचते हैं कि भाई जिसका मास ज़्यादा है उसके नंबर ऑफ मोल्स भी ज़्यादा होंगे, लेकिन यहाँ पे ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं करना है। नंबर से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है नंबर ऑफ मोल्स से। जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे उसके ओबियसली उसके एटम्स या मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा होंगे।
तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आते हैं कार्बन में, कार्बन के मोल्स निकालेंगे। तो आपको बताया है मोल का फॉर्मूला क्या होता है, जो मास दिया हुआ है हमें उसको मोलर मास से डिवाइड कर रहे हैं, गिवन मास बटे मोलर मास। तो मास कितना दिया हुआ है कार्बन का, 16 ग्राम, और मोलर मास कितना होता है कार्बन का, 12 ग्राम पर मोल। यहाँ से क्या हो जाएगा, ग्राम ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, चार से डिवाइड करते हैं, 4 4 16, 4 3 12, तो ये क्या हो गया, 4/3 मोल। 4/3 मोल को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 1 3 1.33 आएगा। अब मोल्स किसके निकाल लेते हैं हम लोग, सोडियम के। सोडियम के मोल्स को निकालेंगे कैसे, लिखेंगे मास अपॉन मोलर मास। मास दिया हुआ है कितना, 20 ग्राम, और मोलर मास कितना है, 23 ग्राम पर मोल। यहाँ से ग्राम ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो ये क्या हो जाएगा, 20/23, इसका वैल्यू 1 से लेस ही आएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, आप सभी लोग कैलकुलेट करिए और जल्दी से पॉज करके आंसर लिखिए चैट बॉक्स में। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 0.869, ये वैल्यू आ रहा है 0.869। इसको अप्रॉक्सीमेटली 0.87 लिख सकते हैं, राउंड अप करेंगे 0.87, ये आ गया। किसके मोल्स आ गए, सोडियम के। अब सल्फर की बात करते हैं, सल्फर के मोल्स कितने हो जाएंगे, जो भी मास दिया हुआ है उसको मोलर मास से डिवाइड करना है। मास कितना दिया है, 45 ग्राम, और सल्फर एटम का मोलर मास कितना होता है, 32 ग्राम पर मोल। अब यहाँ से अगर हम लोग डिवाइड करें तो वैल्यू कितना आएगा, सभी लोग सॉल्व करें कितने मोल्स आएंगे, तो ये सॉल्व करने पे आएगा आपको 45 को डिवाइड करेंगे 32 से, यह आ रहा है 1.406 मोल। ग्राम ग्राम कैंसिल आउट हो गया, ये भी मोल बचेगा यूनिट, यहाँ पे भी मोल यूनिट बचेगा, और यहाँ पे भी मोल यूनिट। सभी को खुद कैलकुलेट करना है, आप वीडियो पॉज करके कैलकुलेट करें, नहीं तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब अगर हम बात करें किसके, नाइट्रोजन के मोल्स को निकालने का, तो नाइट्रोजन का मोल्स भी क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है, 15 ग्राम, और मोलर मास कितना है, सबको पता है 14 ग्राम पर मोल। तो 15/14 1 से ज़्यादा ही होगा, तो 15/14 हम लोग देखते हैं, तो 15/14 ये आएगा 1.07 मोल। अब अगर हम लोग मोल कंपेयर करें तो किसके सबसे ज़्यादा मोल्स हैं, सबसे ज़्यादा मोल्स हैं सल्फ़र के, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 45 ग्राम ऑफ सल्फ़र। लेकिन कभी भी आप डायरेक्टली सिर्फ मास देखकर मोल्स ये ना समझें कि इनके मोल्स ज़्यादा होंगे, मोल्स निकालने के लिए आपको मोलर मास से डिवाइड करना है और फिर मोल्स को कंपेयर करना है। तो सबसे ज़्यादा जो एटम्स होंगे वो होंगे सल्फ़र के, उसके बाद एटम्स किसके हो जाएंगे, कार्बन के, और फिर हो जाएंगे नाइट्रोजन के, और सबसे कम होंगे सोडियम के। तो हम लोग ऐसे मोल्स कैलकुलेट करते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला पे बेस्ड है। इसमें क्या दिया हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेंट्स, ये जो ट्रेडिशनल एम्पिरिकल फॉर्मूला वाले क्वेश्चन हैं वो वाले हैं जिसमें डायरेक्टली सारे एलिमेंट्स के परसेंटेज दिए हुए हैं, और इस परसेंटेज के हेल्प से आपको मॉलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, इस स्ट्रेटजी से आप क्वेश्चन को पहले पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करें, जब आपसे सॉल्व ना हो तभी आप वीडियो को आगे बढ़ा के सॉल्यूशन को देखें। सारे एलिमेंट्स के परसेंटेज कंपोजिशन दिए हुए हैं, आपको ये ज़ूम कर लेना है कि जितने परसेंटेज हैं उतने ग्राम वो एलिमेंट है। जैसे कार्बन अगर 20% है, इसका मतलब है आपके पास 20 ग्राम कार्बन है। हाइड्रोजन अगर 6.66% है, इसका मतलब है आपके पास हाइड्रोजन 6.66 ग्राम है। नाइट्रोजन अगर 47.33% है, इसका मतलब है आपके पास नाइट्रोजन 47.33 ग्राम है। ठीक है, तो सारे परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, फिर सबको मोलर मास से डिवाइड करके सबके मोल्स निकालेंगे। मोल्स
रेशियो में आपको जो सबसे छोटा वैल्यू है कोशिश करना है उससे डिवाइड करें, फिर आपको एक होल नंबर रेशियो आएगा, उस होल नंबर रेशियो को आप फॉर्मूले में लिख के एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो पहले आप आपने पहले अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किया है तो आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके पहले ट्राई करें सॉल्व करने के लिए, और उसके बाद फिर आगे वीडियो को देखें। तो हम लोग लेते हैं रेशियो किसके, कार्बन के, हाइड्रोजन के और नाइट्रोजन के। हमारे पास है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन भी है। तो ऑक्सीजन के कैसे निकालेंगे परसेंटेज, आपको इन सारे परसेंटेज को जोड़ के 100 में माइनस कर देना है, वो हो जाएगा ऑक्सीजन का परसेंटेज। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या हो जाएगा, 100 माइनस 20 प्लस 6.66 प्लस 47.33। ये डिफरेंस निकालेंगे तो आपको ऑक्सीजन का परसेंटेज पता चल जाएगा। तो चलिए बताइए ऑक्सीजन के कितने परसेंटेज हो जाएंगे, इसको कैलकुलेट करते हैं। 100 माइनस 20 माइनस 6.66 माइनस 47.33 26.01% आ रहा है किसका, ऑक्सीजन का। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने लिख लिया कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू नाइट्रोजन और इज टू ऑक्सीजन, क्योंकि कंपाउंड में ऑक्सीजन भी है, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये रेशियो क्या आ जाएगा, 20 ग्राम इसके ले लेंगे, जो भी परसेंटेज है उसको ग्राम में कन्वर्ट करके लिखना है, इस टू 6 ग्राम 6.66 ग्राम इस टू नाइट्रोजन के कितने, हाइड्रोजन के कितने हैं भाई, कार्बन हो गए, हाइड्रोजन हो गए, नाइट्रोजन के 47.33 ग्राम और ऑक्सीजन के कितने हो गए, 26.01 ग्राम। सबको मोलर मास से डिवाइड कर दें मोल रेशियो लेने के लिए। तो कार्बन का मोलर मास कितना होता है, 12 ग्राम पर मोल, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 ग्राम पर मोल, नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 ग्राम पर मोल और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 ग्राम पर मोल। ठीक है, यहाँ से ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा तो जो मोल रेशियो निकल के आएगा वो मोल रेशियो आएगा 1.667 इस टू 3.381 इस टू 1.626 इस टू 6.66 ये आ गया। अब आपको बेसिकली इसमें ये सोचना है कि जो सबसे छोटा वैल्यू हो उससे आपको डिवाइड करना है ना, जो सबसे छोटा वैल्यू है इसे आप डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम डिवाइड करते हैं सबसे छोटे वैल्यू से तो ये सबसे छोटा वैल्यू क्या है, 1.626, तो ये 1.626, ये भी 1.626, ये भी 1.626 और ये भी 1.626। जो सबसे छोटा वैल्यू आएगा मोल्स का उससे सबको डिवाइड कर देंगे ताकि होल नंबर आए, स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो आए। ऐसा करने पे हमें क्या मिल रहा है, फर्स्ट वाले में लगभग ये 1 के इक्वल होगा, 1.6 आ रहा है। दूसरा वाला अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगा अप्रॉक्सीमेटली 2, 1.5 × 2, डेढ़ गुना 2 3 होता है, तो ये 3 से थोड़ा ज़्यादा है, इधर ये डेढ़ से थोड़ा ज़्यादा है, तो ये 2 हो जाएगा। तीसरे वाले में तो क्लियर 1 ही आएगा, और आपको पता है डेढ़ गुना 4 6 होता है, 1.5 × 4 6, यहाँ पे 1.6 है, वहाँ पे 6.66 है, तो ये लगभग 4 के बराबर है, ये रेशियो आ गया। अब ये रेशियो मिल गया आपको मोल रेशियो सारे एलिमेंट्स के, बस आप इसी मोल रेशियो को एलिमेंट में प्लेस कर दें। तो एलिमेंट में प्लेस करने पे क्या आ जा रहा है फॉर्मूला, C1H2N1O4, ये तो आ रहा है। अगर हम लोग देखें तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा, थोड़ा सीक्वेंस है,
चलिए इसको थोड़ा चेंज करते हैं, इसमें चेंज में इसकी कैलकुलेशन को हम लोगों को फिर से चेक करना होगा, इसकी कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। तो हम लोग पहले 20 को 12 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है आंसर। 20 डिवाइडेड बाय 12 ये आ रहा 1.66, ये 1.66 मोल इस टू 6.66 है तो ये तो 6.66 ही रहेगा। इस टू 47.33 को 14 से डिवाइड करेंगे, 47.33 डिवाइडेड बाय 14 तो ये 3.38, और 26 डिवाइडेड बाय 16 देंगे 26.01 डिवाइडेड बाय 16 तो 1.625 आ रहा है। ठीक है अभी सही है, अब 1.625 सबसे छोटा वैल्यू है तो उसे डिवाइड कर देते हैं, 1.625, 1.625, 1.625 और 1.625। अब अगर हम ये रेशियो निकालें तो पहला वाला रेशियो 1 आएगा करेक्ट, दूसरे वाला रेशियो 4 आ जाएगा करेक्ट, तीसरे वाला रेशियो 2 आ जाएगा और लास्ट वाला रेशियो 1 आएगा, 1:4:2:1। अब ये सारे रेशियो को प्लेस कर देते हैं हम लोग एलिमेंट्स में, तो ये C1 हो गया, H4 हो गया, N2 हो गया और O। 1 को लिखते नहीं है O1, 1 को लिखते नहीं तो ये फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखेंगे, CH4N2O। ये हो गया हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना हो जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास का निकालें तो 12 प्लस 4 प्लस नाइट्रोजन का 14 ग्राम पर मोल होता है तो 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 16, ये क्या हो जाएगा 16 प्लस 28 प्लस 16 ये बराबर हो जाएगा 60 ग्राम। अब आपको पता है कि जब भी हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना होता है तो हम लोग एन वैल्यू निकालते हैं। एन वैल्यू क्या है, मोलर मास और एम्पिरिकल, मोलर एम्पिरिकल मास का रेशियो है ना, मोलर मास डिवाइडेड बाय मोलर एम्पिरिकल मास। मोलर एम्पिरिकल मास क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला से जो मास निकालते हैं वो मोलर एम्पिरिकल मास है। जैसे ये वाला वैल्यू, ये क्या है एम्पिरिकल मोलर मास, ये है एम्पिरिकल मोलर मास। तो एन निकाल लेते हैं तो मोलर मास भी 60 दिया हुआ है और एम्पिरिकल मोलर मास भी 60 आया तो ये 1 है, यानी यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों क्या होगा, सेम होगा क्योंकि एन की वैल्यू 1 है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, CH4N2O, ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हमें देखना है ये कहाँ है CH4N2O, CH4N2O हमारे ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में CH4N2O। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मास परसेंट ऑफ Na इन Na2CO3 इज, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको मोलर मास निकाल लेना है, मास परसेंटेज जब भी निकालना हो किसी मॉलिक्यूल में किसी एलिमेंट का तो सबसे पहले मॉलिक्यूल का मोलर मास निकाल लेना है या मॉलिक्यूलर मास निकाल लेना है, दोनों में से कोई भी। तो अगर हम लोग बात करें मॉलिक्यूलर मास का तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा m = 2 × 23 u + 12 u + 6 × 3 u। इसको ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा 46 u, और ये क्या हो गया 12 u, और ये क्या हो गया 48 u। इन सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 48 + 12 = 60 + 46 = 106 u। ये आपने निकाल लिया मॉलिक्यूलर मास। अब परसेंटेज ऑफ Na निकालना है, मास परसेंट ऑफ Na, मास परसेंट ऑफ Na, ये क्या हो जाएगा Na का मास मॉलिक्यूल में कितना है, तो मॉलिक्यूल में Na का मास कितना है, इतना, दो सोडियम एटम है तो दोनों का मास जोड़ेंगे तो 46 u हो गया, ये है
इस मॉलिक्यूल में, तो 46 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है, 106 यू। और परसेंटेज निकाल रहे हैं हम लोग, तो क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई, तो कैंसिल आउट हो गया। तो 46 बाय 106 को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आता है। लेंगे तो ये वैल्यू आएगा 0.4339। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा 43.39%। इसको अप्रॉक्सीमेटली राउंड अप करने पे क्या लिख सकते हैं, 43.40%। और ये कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हो गया इसका करेक्ट आंसर।